हेलो फ्रेंड्स दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आर न्यू सिंप्लीफाइड और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज हमने पिछले वाले लेक्चर में पहले तो बात कर ली थी लानिना एंड एल्डिनो की अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पहले वो वीडियो देखिए क्योंकि ये उसी से आगे कंटिन्यू होगा टॉपिक तो आज हम बात करेंगे एनसो so, क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इंडियन ओशियन डाइपोल तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पहले जरूर एलनिनो वाला देख लेना राइट तो चलिए शुरू करते हैं शुरू हम सबसे पहले मैंने आपको बताया किससे करेंगे क्वेश्चन से लेकिन इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं सबसे पहले एलनिनो एंड लानीना का शॉर्टली मैं रिकेप दूंगा अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं

एनसो एंड IOD इंडियन ओशन डाइपोल तो एक एक करके हम समझेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा राइट तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट द स्टेटमेंट गिवेन्स आर दैट इज एनसो मीन्स स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ओशियंस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमोस्फेयर ये आप ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि ये हेमिसफेयर की बात कर रहा है ईस्टर्न हेमिसफेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेर के बीच का जो डिफरेंस है प्रेशर डिफरेंस दैट इज एनसो दिस वन सेकेंड इज एनसो कैन रिड्यूस द रेनफॉल ओवर इंडिया ठीक है ये आपको देखना है

जब भी इंडिया की बात करते हैं मानसून हो इंडिया में तो हमेशा ध्यान रखना कि लो प्रेशर होना चाहिए यानी कि इंडिया के ऊपर टेम्परेचर हाई होगा आपने देखा होगा समर्स के के बाद ही आता है बिकॉज हाई होने के कारण वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंड दैट लो प्रेशर इज समथिंग विच अट्रैक्ट द विंड फ्रॉम द ओशियंस है ना इंडियन ओशियन की तरफ से विंड्स वो अट्रैक्ट करता है दैट इज मानसून ओके अब हम बात कर रहे थे जब मैंने बताया इन जनरल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मैंने आपको बताया कि लो प्रेशर होता है इन जनरल ठीक है और ये लो प्रेशर जब तक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी लो प्रेशर है इंडिया के ऊपर भी लो प्रेशर है दैट इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था ठीक है तो आप बस इतना समझ जाना कि अगर लो प्रेशर है ओवर ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी रेनफॉल अच्छा होगा इंडिया के ऊपर अगर लो प्रेशर है तो इंडिया के ऊपर भी लो प्रेशर अच्छा होगा ठीक है तो आप इसको एक टेक्निक से भी याद कर सकते हैं लो प्रेशर मतलब टू अट्रैक्ट द विंड्स है ना अब आपके पास दो लो प्रेशर हैं इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया भी ला ला मतलब डबल ला मतलब डबल विंड्स को अट्रैक्ट करना दैट इज लो प्रेशर ओवर ऑस्ट्रेलिया यू कैन रिलेट इन दिस वे टू द लो प्रेशर ओवर इंडिया ठीक है अच्छा अब इसके बाद हम बात करते हैं ला नीना की ला नीना में क्या होता है ला नीना में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में ला फॉर लो प्रेशर ला तो लो प्रेशर जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है वो और ज्यादा लो हो जाता है यानी और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है एंड दैट वुड बी एक्चुअली हेल्पफुल फॉर इंडियन मॉनसून एज वेल ठीक है तो वो दोनों जने करेंगे जो हैं ला, ला, मतलब पुल करेंगे ठीक है that is the concept. तो ला नीना में क्या होगा आप ध्यान रखना लो प्रेशर ओवर ऑस्ट्रेलिया विल इंटेंसिफाइड एंड दैट वुड बी गुड रीजन फॉर इंडियन मॉनसून एज वेल ठीक है तो इंडियन मॉनसून उससे अच्छा होगा अब बात करें हम एल नीनो की एल नीनो में क्या होगा और यहां पे ध्यान रखना ये मैंने आपको बताया था लो प्रेशर है प्लस वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया के साइड जनरली रहता है एल नीनो में ये उल्टा हो जाता है, है साउथ अमेरिका की तरफ एंड बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर जो लो प्रेशर है वो भी साउथ अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाता है एंड यहां पर प्रेशर बढ़ जाता है एंड इसके चक्कर में इंडियन मानसून जो है वो सफर करता है इंडिया का मानसून वीक हो जाएगा ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं लानीना में आपको एक बार दिखा देता हूं ये होगी लानिना की सॉरी एलनीनो की कंडीशन एलनीनो में ये पूरा वार्म वाटर इधर शिफ्ट हो जाएगा जो यहां पे पहले एलपी हुआ करता था वो अब इतना इंटेंस नहीं रहेगा यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ने लगेगा That would be HP. यहां हाई प्रेशर क्रिएट होने लगेगा और मैंने आपको बताया था जब भी हाई प्रेशर होगा वहां पर विंड नहीं होगी वहां पर रेनफॉल नहीं होगा स्टेबिलिटी की कंडीशन बनेगी तो इसके चक्कर में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रेनफॉल कम हो जाता है प्लस इंडिया के ऊपर भी कम हो जाता है तो दैट वॉज एल नीनो ठीक है तो, 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 तो यह था क्विक रिकेप पूरे के लिए आप वीडियो देखिए राइट अब हम चलते हैं आगे अब हम बात करते हैं सदन ऑसिलेशन क्या होते हैं ये सदन ऑसिलेशन तो ये देखिए क्या होता है कि आपका जो ईस्टर्न हेमोस्फेयर है वो प्लस जो आपका वेस्टर्न वेस्टर्नमोस्फेर है यानी कि अपने अर्थ को दो भागों में अगर बांट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न देन इन दोनों के बीच में कोई ओशनिक पॉइंट्स लेंगे हम और उनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट इज आपका सदन ऑसुलेन्स ठीक है तो ये इक्वेटर के अराउंड अपन देखते हैं तो अपन ईस्टर्न साइड में अपन ने चुना है दैट इज पोलिनेशिया तो पोलिनेशिया के आईलैंड जो है उसमें हमने एक पर्टिकुलर जगह चुनी है दैट इज ताहिती ठीक है ताहिती एंड यहां पे अपन ने चुना है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक पॉइंट है दैट इज डार्विन डार्विन तो एंड ताहिती के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज आपका ठीक है अब देखते हैं यहां से हमने देखा कि मैं आपको अगर नॉर्मल कंडीशंस बताऊं तो हमने देखा नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर होता है तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मान लीजिए इन नॉर्मल कंडीशन ये नॉर्मल कंडीशन है कंडीशन में हंड्रेड बार का प्रेशर है over Australia. ठीक है? और इस मैंने बताया आपको generally high pressure रहता है, है तो तो पे अपन कर रहे हैं ध्यान रखना ऐसा होता नहीं है. 100 bar. For example, मैं बता रहा से तो से आप देखोगे वेस्टर्न का प्रेशर डिफरेंस मींस हंड्रेड माइनस टेन दट इज प्रेशर डिफरेंस इज नाइनटी बार केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन ठीक है इतना क्लियर हुआ आपको तो ये तो है नॉर्मल कंडीशन अब हम बताते हैं लानीना का

जो सदन ऑसिलेशन्स हैं वो हाई हो रहे हैं बढ़ रहा है दिस डिफरेंस इज इंक्रीजिंग एंड ये याद रखना आप ला नीना के केस में ला नीना के केस में जो सदन ऑसिलेशन्स हैं उनको बोलते हैं हाई एस हाई सदन ऑसिलेशन ठीक है या फिर मैं आपको दोनों ही इसको अगर इंटर करें अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हाई हैं, तो इंडिया के मॉनसून पे क्या इफेक्ट होगा आप समझ जाना जैसे ही हाई मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? ला नीना की, ठीक है और लानीना मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर और इंटेंसिफाई होगा इंडिया के लिए वो उतना ही अच्छा होगा आई होप आपको समझ में आ रहा है तो दिस इज द कंडीशन ड्यूरिंग नीना अब हम बात करते हैं नीनो की L के केस में क्या हुआ मैंने आपको बताया ये पूरी की पूरी जो लो प्रेशर है, ये और उसको हम थर्टी कर देते हैं तो मान लेते हैं ये 30 हो गया। 30 बार, ठीक है और यहां पे क्या होगा मैंने बताया लो प्रेशर शिफ्ट हो गया तो पहले जो नॉर्मली 100 होता था अब मान लेते हैं वो कितना हो गया 50 कर दूं तो 50 बार का प्रेशर हो गया

सदन ऑसिलेशन ठीक है और इसीलिए इन सदन ऑसिलेशन को हम बोलते हैं जो एलिनो से रिलेटेड है एल नीनो सदन ऑसिलेशन दैट इज नथिंग बट योर एनसो एनसो जो है क्या है एलिनो के टाइम पे जो सदन ऑसिलेशन होते हैं दे आर एनसो ठीक है तो कैसे होंगे वो ऑसिलेशन एल नीनो मतलब नो मींस लो ठीक है लो तो लो सदन मतलब एलिनो की कंडीशन मतलब ऑस्ट्रेलिया मतलब के ऊपर क्या हुआ है, वहाँ पे की क्या हो रहा है? इंडिया में लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर दोनों विंड को बढ़िया अट्रैक्ट करेंगे ठीक है तो दैट इज गुड कंडीशन फॉर इंडिया अब क्या हुआ अगर एलिनो हो गया इधर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये लो प्रेशर वीक हो जाएगा मतलब यहां पे प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब जो इंडिया के ऊपर लो प्रेशर है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा और ये जो विंड्स हैं ये कमजोर हो जाएंगी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में मस्करीन हाई जो है वो कमजोर होगा और इंडिया का मानसून भी वीक हो जाएगा तो ये था एनसो आई होप आपको समझ में आया आप इसको दोबारा रिकेप करके जरूर देख लेना मैंने कैसे बताया ये प्रेशर डिफरेंस आप ध्यान रखना सदन ओसिलेशन मीन क्या होता है ईस्टर्न का का एक पॉइंट ले लिया हमने ओशियंस और एक वेस्टर्न का ले लिया दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया प्रेशर डिफरेंस दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर दैट इज आपका सदन ऑसिलेशन अब जब एलनिनो का टाइम होता है ये डिफरेंस कम हो जाता है दैट इज लो सदन ऑसिलेशन और इसी को बोलते हैं हम एलिनो सदन ऑसिलेशन दैट इज एनसो

ठीक है लो प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा साउथ अमेरिका की तरफ हाई जो टेम्परेचर वाला वाटर है वो ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट हो जाएगा पेरू की तरफ पेरू में वहां पे क्या होगा रेनफॉल ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा हाई प्रेशर यानी कि स्टेबिलिटी इंडिया का मॉनसून वीक हो जाएगा तो ये जो एलनि के टाइम पे सारी कंडीशन थी वो आप ध्यान रखना एनसो के टाइम पे वही वही कंडीशन सारी होंगी और जब मैं कहूं आपको हाई ऑसोलेशन है आप समझ जाना कि मैं लानीना की बात कर रहा हूं आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पे ठीक है तो ये था अब देखिए जब भी मैं कहूं कि लो इंडेक्स है तो आप समझ जाना दैट इज लो प्रेशर डिफरेंस एंड दैट इज नथिंग बट द कंडीशन एसोसिएटेड विद एलनीनो तो एलनीनो जब भी होगा लो इंडेक्स होगा लो प्रेशर डिफरेंस होगा ठीक है तो एनसो क्या होता है ध्यान रखना एनसो के टाइम पे वो सारी चीजें जो एलो के टाइम पे होती थी जैसे ट्रेड विंड का वीक पड़ जाना मॉनसून का वीक हो जाना ठीक है और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि डे की जो लेंथ है वो भी बढ़ जाती है तो आप एलनि देख लेना वो सारी चीजें एनसो के टाइम पे होंगी आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब हम चलते हैं हमारे इंडियन ओशियन डाइपोल की तरफ ये भी सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है यानी कि अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे सो अगर दिस इज द इंडिया ठीक है तो दिस इज बे ऑफ बंगाल ठीक है एंड दिस इज अरेबियन सी अगर मैं कहूं आपसे द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस साइड ऑफ द इंडिया टू दिस साइड ऑफ द इंडिया यानी ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन ओशियन का अगर वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशियन से जो प्रेशर का डिफरेंस होता है दैट इज नथिंग बट योर इंडियन नीनो भी बोलते हैं इसको या फिर इंडियन ओशियन डाइपोल भी बोलते हैं तो एग्जेक्टली डाइपोल क्यों बोला है बिकॉज इंडोनेशिया के पास एक पॉइंट पकड़ते हैं हम एक हम अफ्रीका का जो हॉर्न है उसकी तरफ पॉइंट पकड़ते हैं और ये दो पॉइंट होते हैं इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस देखते हैं तो दैट इज इस वाई इसको बोलते हैं डाइपोल ऑफ इंडियन ओशियन या फिर इसको इंडियन नीनो भी बोलते हैं ध्यान रखना इंडियन नीनो ठीक है नीनो ऑफ इंडियन ठीक है अब ध्यान रखना ये हाई एंड लो कैसे होगा या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसे होगा अगर मैं कहूं पॉजिटिव आईओडी तो आप समझ जाना कि अरेबियन सी जो है ना वहां का टेम्परेचर बढ़ चुका है अगर यहां का टेम्परेचर बढ़ चुका है तो आप समझ जाना ये पॉजिटिव आईओडी है ठीक है इसको मैं टेक्निकल में नहीं ले जा लेके जा रहा क्योंकि फिर प्रेशर और टेम्परेचर आप आप कंफ्यूज हो जाओगे तो सिर्फ यहां पे ध्यान रखिए कि अगर अरेबियन सी साइड का ज्यादा हो गया दैट मींस पॉजिटिव टेम्परेचर यहां पे ज्यादा हो गया दैट इज पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल अब इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा इधर का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा इधर का थोड़ा ज्यादा होगा तो अरेबियन साइड से जो मॉनसूनल विंड आती है वो कैसी होगी स्ट्रॉन्ग होगी ना डेफिनेटली होगी क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है मॉइस्चर बढ़ेगी और मॉइस्चर बढ़ेगी वो विंड पूरा मॉइस्चर लेके इंडिया में आ जाएंगी तो दैट्स यहां से जो मॉनसून आ रहा है ये बहुत स्ट्रॉग हो जाएगा इंडिया की तरफ और इंडिया में रेनफॉल क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी दूसरा सेकेंड फैक्टर अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में जो अरेबियन सी है वहां पे साइक्लोन जनरेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है तो क्या ये सही है डेफिनेटली सही है क्योंकि साइक्लोन जनरेशन के लिए आपको पता होगा द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 27 डिग्री सी 27 degree centigrade temperature चाहिए, and यहाँ पे अगर टेचर बढ़ रहा है that is good for cyclogenesis. मतलब आपका जो साइक्लोन है वो उनका ओरिजिन ज्यादा हो जाएगा या इसी को रिवर्स कर दू मैं बे ऑफ बंगाल में ड्यूरिंग पॉजिटिव आईओडी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन है अरेबियन सी तो दैट इज आल्सो राइट यहाँ पे ज्यादा है टेम्परेचर यहाँ पे कम है रिवर्स कर दीजिए नेगेटिव आई मतलब ये वाला टेम्परेचर ज्यादा मतलब यहां पे साइक्लोन्स ज्यादा ठीक है तो ये है आपका इंडियन ओशियन डाइपोल तो ध्यान रखना पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल इज गुड फॉर इंडिया मानसून यहां से मानसून जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है अब इन दोनों तीनों फैक्टर को अपन कंबाइंडली देखते हैं हमने देख लिया एलिनो लानिना एनसो इन सबका इंडियन मानसून पे इंपैक्ट देख लिया अब इसको मर्ज करते हैं IOD के साथ ठीक है तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहां पे पानी बहुत गर्म हो गया है इंडियन ओशियन का टेम्परेचर हम डिफरेंस देख रहे हैं राइट सो दिस इज इंडियन ओशियन डाइपोल अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कि जब दो फैक्टर एक साथ ले लें फॉर एग्जाम्पल यहां पर एलिनो देखते हैं हम एलिनो के दौरान मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या होता है हाई प्रेशर हाई प्रेशर मतलब स्टेबल कंडीशंस स्टेबल कंडीशंस मतलब नो रेनफॉल ठीक है या लेस रेनफॉल नो रेनफॉल या लेस रेनफॉल अब यहां पे देखिए इससे क्या होगा ये हाई प्रेशर है इंडिया के लिए यहां पे लो प्रेशर था अगर यहां पे लो प्रेशर होता तो दो लो प्रेशर लो प्रेशर होंगे तो दैट इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून ऐसे आप याद रख सकते हैं अदरवाइज यहां से याद रखिए हाई प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इंडियन मॉनसून के लिए खराब होता है ठीक है अब देखिए यहां से मान लेते हैं यहाँ पे कंडीशन है और इंडिया का मॉनसून क्या होने वाला है मैंने आपको बताया वीक होने वाला है लेकिन उसी टाइम अजूम कीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव आईओडी है पॉजिटिव आईओडी मतलब मैंने आपको बताया कि अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है दैट वुड बी हायर और इससे क्या होगा रेनफॉल इंडिया का बढ़ता है तो दैट इज गुड फॉर रेनफॉल ओवर इंडिया रेनफॉल ओवर इंडिया गुड फॉर रेनफॉल बट ये उतना ही खराब है इंडोनेशिया के लिए क्योंकि यहां पे जो ईस्टर्न साइड होगा इंडियन ओशिया का इंडियन ओशियन का उसमें फिर से रेनफॉल बहुत कमजोर होगी वेस्टर्न साइड में ज्यादा होगी तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डबल इंपैक्ट आएगा एलडिनो के कारण इधर से मार पड़ रही है इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होने के कारण इधर से मार पड़ रही है इंडिया के ऊपर अगर मॉनसून की बात करें तो बिकॉज ऑफ मॉनसून जो है वीक हो सकता है लेकिन बिकॉज ऑफ आईओडी अगेन उसको पुश मिलता है 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 तो ये बैलेंस हो जाता ठीक अगर एलिनो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो फिर आप ध्यान रखना इंडिया के ऊपर अगर पॉजिटिव आईओडी आ गया तो दैट वुड बी बैलेंस एलिनो का इंपैक्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगा लेकिन अगर यहां एलिनो है और इंडियन ओशियन डाइपोल भी नेगेटिव है तो इंडिया में भी ड्रॉट हो सकता है ठीक है हमारा मॉनसून भी वीक पड़ जाएगा तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा है ठीक है तो यही था बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है एलिनो लानीना इंडियन ओशियन डाइपोल एंड एनसो ये चारों हमने समझ लिए हैं। आई होप आपको ये चारों क्लियर हो गए होंगे इनको आप एक एक करके फिर से देख सकते हो अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और कंडीशन आपको समझाता हूं यहाँ पे लानीना लानीना का मतलब लो प्रेशर का इंटेंस हो जाना और ज्यादा लो प्रेशर हो जाएगा ठीक है तो दैट इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून मैंने बताया ला ला डबल विंड को बोलते हैं एक ला दो ला ठीक है तो ला ला तो लो प्रेशर इज गुड फॉर इंडिया ठीक है अब इसमें क्या हुआ इसकी वजह से मॉनसून स्ट्रांग होगा अगेन अगर यहां पे पॉजिटिव आईओडी हुआ तो इंडिया में और ज्यादा मॉनसून स्ट्रांग हो जाएगा ड्यूरिंग दिस कंडीशन ठीक है और अगर आप इसको उल्टा करके देख लें एक और कंडीशन देख ले लानीना गुड फॉर इंडियन मानसून लेकिन यहां पे मान लेते हैं नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल तो इसकी वजह से जो कम होगा लानीना उसको बैलेंस कर देगा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फोर कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ है ना अगर आपको थोड़ा सा ये तेज लगा आप रिकेप करके देखते रहिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा ठीक है वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है द फर्स्ट स्टेटमेंट सेन्स स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल ओशन ठीक है याद रखना ट्रॉपिकल ही है ऑस्ट्रेलिया एंड हमने पोलिनेशिया के बीच में देखा था बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिसफेयर राइट तो ये ध्यान रखना ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिसफेयर है ना कि नॉर्दर्न एंड सदर्न ठीक है तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट वन इज करेक्ट वन सेकेंड कैन रिड्यूस द रेनफॉल ओवर इन इंडिया तो ध्यान रखना एनसो इज नथिंग बट एलनी तो एलनीनो जो है वो मैंने आपको बताया कि वो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर क्या करेगा रेनफॉल को कम करेगा सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ठीक है नेक्स्ट इज पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल हाई रेनफॉल ओवर सेंट्रल इंडिया यस दैट इज ट्रू जब भी पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल होगा दैट इज पॉजिटिव फॉर इंडिया ठीक है दैट्स इट तो तो ऑल थ्री आर करेक्ट आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट अगर ऐसा है तो हम इन सब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.